वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल धमाका कोचिंग। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n इज 4n माइनस n स्क्वायर, माने गिवन है Sn इक्वल 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, Sn हो गया n टर्म्स का सम। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, S1 फाइंड करना है। व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म, मुझे S2 फाइंड करना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म फाइंड करना है, टेंथ टर्म फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करना है। बहुत ही इसमें जो है कि क्वेश्चन है कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म फाइंड करूंगा S1। तो आइए n के प्लेस पर 1 रखूंगा, n के प्लेस पर 1 रखूंगा, 1 स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल 3। तो S1 आपका आ गया 3। तो पहला हो गया S1, मैंने निकाल दिया। व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म्स का हमें सम निकालना है। हमें क्या निकालना है, दो टर्म्स का सम निकालना है। तो अब देखिए S2 भी निकाल देता हूं मैं, S2। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो होगा वो आपका क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वो S1 के इक्वल होगा। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपका ये हो गया A1 कह सकते हैं। ठीक है, A1 इक्वल ये होता है, A1 कह सकते हैं। माने S1 फर्स्ट, A1 हमारा इतना आ गया। S2 में निकाल देता हूँ, S2 व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म्स का मुझे सम निकालना है। तो देखिए मैं एक फार्मूला आप लोग को बता देता हूँ। किसी AP में हमें अगर nth टर्म चाहिए, ठीक है, किसी AP में हमें nth टर्म चाहिए, तो An इक्वल Sn माइनस 1 होता है। An इक्वल क्या होता है, Sn माइनस 1 होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर n के यहाँ पर मैं 2, मुझे सेकेंड टर्म चाहिए, तो S2 माइनस S1 होगा। ठीक है, n की जगह पर 2 रख दीजिए, यहाँ टू में से 1 गया, 1 बचा, S1 ये S2 हो गया। थर्ड टर्म चाहिए, S3 माइनस S2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला है आपका nth, किसी AP के nth टर्म निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, इतना आपका हो गया, बढ़िया है। अच्छा, अब देखिए मुझे चाहिए सम ऑफ टू टर्म्स, मुझे सम ऑफ टू टर्म्स चाहिए। तो मैं यहाँ पहले S2 निकालता हूँ, यहीं से S2 मिल जाएगा, सम ऑफ टू टर्म्स यहीं से मिल जाएगा। S1 मिल गया, उसी तरह S2 मिलेगा, बस S2 n की जगह पर 2 रखिए। तो 4 × 2 − 2² 8 − 4 = 4 आ गया। ठीक है, तो अभी मैंने जो फार्मूला लिखा है वो nth, किसी AP का nth टर्म, अगर मुझे Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, ना n टर्म तक का सम और n माइनस 1 टर्म्स तक का सम, n टर्म्स और n माइनस 1 टर्म्स का सम हमें पता हो, तो Sn में से माइनस मैं Sn माइनस 1 कर दूंगा, तो मुझे nth टर्म क्या होगा, मतलब nवा टर्म क्या होगा, वो मुझे पता चल जाए गा। ठीक है, तो आइए मुझे सेकेंड टर्म चाहिए, कौन सा टर्म चाहिए, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। तो अब मैं A2 निकालता हूँ वही फार्मूले से, An वाला जो फार्मूला था, An इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, तो A2 इक्वल S2 माइनस S1 हो जाएगा। तो S2 आपका आया है 4 और S1 कितना आया है आपका, 3 आया है, जो कि फर्स्ट टर्म है आपका आ गया 1। तो इसका मतलब सेकेंड टर्म आपका 1 है और फर्स्ट टर्म आपका कितना है, 3। ठीक है, इसलिए S2 = आया है 4। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ तक मेरा हो गया सेकेंड टर्म तक, इतना नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं ऊपर इरेज करूँगा, नोट कर लीजिए।
तो अब देखिए, तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, हो गया हमें फाइंड कर लिया सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और एनथ टर्म हमें चाहिए, ठीक है। तो थर्ड टर्म निकालिए एस थ्री, मतलब ए थ्री हमें चाहिए, क्या चाहिए, ए थ्री। तो ए थ्री के लिए हमें निकालना होगा एस थ्री माइनस एस टू करना होगा, तो एस थ्री निकाल लीजिए, एस थ्री कितना होगा, फोर इंटू थ्री माइनस थ्री स्क्वायर इक्वल, फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस नाइन, आपका कितना हो जाएगा, नाइन माइनस होगा तो थ्री आ जाएगा, ठीक है। ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस थ्री स्क्वायर नाइन, ट्वेल्व में से थ्री माइनस होगा कितना आएगा, थ्री आएगा, कितना आएगा, थ्री आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए एस थ्री मेरा थ्री आ गया, तो अब मुझे ए थ्री चाहिए, तो ए थ्री इक्वल कितना होगा, एस थ्री माइनस एस टू, तो थ्री माइनस एस टू कितना आया है देख लीजिए, फोर आया है, तो माइनस वन आ गया, ए थ्री का वैल्यू आ गया आपका माइनस वन। अब हमें क्या चाहिए, टेंथ टर्म चाहिए, कौन सा टर्म चाहिए, टेंथ टर्म चाहिए, तो टेंथ टर्म हमें चाहिए, तो एस टेन और एस नाइन निकालना पड़ेगा, ठीक है, एस टेन और नाइन निकालना पड़ेगा। यहाँ से मैं एक चीज और कर सकता हूँ, ठीक है, एक चीज और मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो एस एन एन एथ टर्म था वो एपी था, या मतलब किसी एपी के एन एथ टर्म का सम मेरा फोर एन माइनस एन स्क्वायर था, तो मैं इसको ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ, कैसे, क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरा पता है, कॉमन डिफरेंस मैं पता कर लूँ, तो मेरा फर्स्ट टर्म है जो है कितना है थ्री, सेकेंड टर्म कितना है वन, तो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, डी निकाल लीजिए, डी इक्वल कितना होगा, ए टू माइनस ए वन इक्वल टू वन माइनस थ्री, ठीक है, वन माइनस थ्री कितना हो जाएगा आपका माइनस टू, डी का वैल्यू हो गया माइनस टू। अच्छा अब मुझे कौन सा टर्म चाहिए बताइए, कौन सा टर्म मुझे चाहिए, मुझे चाहिए टेंथ टर्म, कितना, टेंथ टर्म, तो ए टेन इक्वल हो जाएगा ए प्लस, मतलब ए वन इक्वल ए होगा तो ए प्लस नाइन डी, ए का वैल्यू थ्री प्लस नाइन इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का माइनस टू, ठीक है, तो हो गया नाइन टू जा एटीन माइनस एटीन, थ्री माइनस एटीन कितना आ गया, माइनस फिफ्टीन आ गया, कितना आया आपका, माइनस फिफ्टीन आ गया, ठीक है, तो टेंथ टर्म मेरा माइनस फिफ्टीन आया, कितना आया टेंथ टर्म, माइनस फिफ्टीन, ठीक है। आप उस फार्मूले से भी कर सकते हैं, ए टेन इक्वल एस टेन माइनस एस नाइन, ठीक है। अब हमको लास्ट क्या निकालना है, एनथ टर्म, ए एन कितना होगा, ठीक है, ए एन कितना होगा, तो अब देखिए जो है nth टर्म में निकालने जा रहा हूँ, nth टर्म में उसी फार्मूले से ही निकाल दूँ, या जैसे कि वैसे नहीं, an इसी से निकाल देता हूँ, an इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका कितना है, फर्स्ट टर्म है जो है थ्री प्लस n माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है, माइनस टू, सॉल्व करिए, थ्री माइनस टू एन प्लस टू, थ्री टू फाइव, फाइव माइनस टू एन, ये आपका आंसर हो गया, nth टर्म में आपका कितना आया, फाइव माइनस टू एन आया, कितना आया, फाइव माइनस टू एन, नोट कर लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, हमें क्या करना है कि सम निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से डिविजिबल हो, तो आइए शुरू करते हैं, लेट 6
यहाँ देखिए जो है कि 6 से डिविजिबल है, लेट 6, 12, 18, ठीक है, डॉट 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 बी अ प्रोग्रेशन, ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6, ठीक है, ये आपका हो गया 6, 12, 18 एंड सो ऑन, ठीक है, इतना हो गया, क्लियर है। पहला 6 है, दूसरा 12 है, हमें फर्स्ट चाहिए मतलब शुरुआत से, तो पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 18 हो गया, इसी तरह बहुत से होंगे, लेकिन जो हमें 40 चाहिए तो लास्ट वाला हमें पता नहीं है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्लियरली, दिस दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी, ये प्रोग्रेशन क्या है, एपी है ना, ये प्रोग्रेशन एक एपी है, क्योंकि देखिए डिफरेंस क्या है, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा, 18 में 6 माइनस करेंगे 6 आएगा। अब देखिए मुझे कितने मतलब लास्ट टर्म क्या वो पता करना है, ठीक है, नाउ एल इक्वल, ठीक, या A40, 40 चाहिए ना, A40 इक्वल कितना होगा, फर्स्ट टर्म आपका 6 है, ठीक, एन की वैल्यू 40 माइनस 40 है, माइनस 1 हो गया, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है, सॉल्व करिए, 6 प्लस 39 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, ठीक है, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 5 23, और 6 ऐड कर देंगे हो जाएगा 240, कितना होगा 240 हो जाएगा, ठीक है, ये 40th टर्म आपका जो होगा वो 240 हो गया, मतलब लास्ट टर्म आपका 240 है, इसका मतलब जो 40वां मतलब 40th जो डिवाइजर है, पॉजिटिव डिवाइजर, वो आपका 240 है, ठीक है। तो मैं प्रोग्रेशन फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, सो 6 12 18 लास्ट टर्म 240 इज एन एपी, ये आपका एपी हो गया, मतलब लास्ट टर्म मैंने लिख दिया। हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, इस एपी का फाइनाइट एपी, इसका सम चाहिए। नाउ S40 इक्वल 40/2, मतलब n/2 की जगह पर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हो जाएगा 20, 20 इंटू 246 मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, जीरो लग जाएगा पहले से, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 9, 2 2 जा 4, 4 9 2 0 आया, कितना आ गया 4 9 2 0। तो इस तरह से हमने देखा कि 40 टर्म्स का जो सम है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल है, उनका सम आ गया 4 9 2 0, ठीक है। अब देखिए 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल्स हमें बताइए, जो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स 8 के वो बताइए। तो मैं पहला वही लेता हूँ, 8 को ले लेता हूँ। पहला क्या ले लेता हूँ मैं, 8 को ले लेता हूँ। फिर दूसरा 16 होगा, तीसरा 24 होगा, इसी तरह होंगे सब। ठीक है, स्टार्टिंग वाला मैं 8 ले रहा हूँ, पॉजिटिव वाला ही, पॉजिटिव लीजिए हमेशा, बोला तो है नहीं तब भी। तो मैं लिखूंगा लेट 8 16 8 16 24 डॉट 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 बी एंड प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन ऑफ ऑफ फर्स्ट मल्टीपल यहां पर आप कह सकते हैं फर्स्ट मल्टी फर्स्ट 15 कह देता हूं मैं, फर्स्ट यहां लिख देता हूं 15 टर्म्स अप टू 15 टर्म्स, ये सही रहेगा, अप टू 15 टर्म्स एंड प्रोग्रेशन ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ कितना 8। ठीक है, स्टेटमेंट इधर उधर हो जाएगा लेकिन सॉल्यूशन सही रह जाए रहना चाहिए। थोड़ा मिस्टेक भी हो जाता है स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन सही रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया इतना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है स्टेटमेंट। ठीक, ये आपका 15 मल्टीपल्स हो गए। अब 15 जो लास्ट वाला मल्टीपल्स हमें पता लेकिन है नहीं, तो यहां मैं लिख सकता हूं क्लियरली दिस प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन इज एन एपी। ये जो प्रोग्रेशन है ये एपी है। नाउ तो अब 15th जो 15वां मल्टीपल है, 15th मल्टीपल है, वो कितना होगा? तो फर्स्ट टर्म आपका 8 है और 15 माइनस 1 हो गया है, और डी कितना है आपका 8 होगा। सॉल्व करिए, 8 प्लस 14 इंटू 8 तो हो गया 8 प्लस 112, ये 112 हो गया। ठीक है, आपका इतना हो गया। देयरफॉर जो फाइनाइट में एपी लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 8 16 24 डॉट 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 120 इज रिक्वायर्ड एपी। मतलब ये एपी जो है, जिस एपी का मुझे जरूरत है वो है, ये फाइनाइट एपी है। कैसे कैसा एपी है? फाइनाइट मतलब इसमें कितने टर्म्स हैं आपके, 15 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 15, 15 टर्म्स हैं। तो आइए अब इसे, इस एपी को सॉल्व करते हैं, सम निकालते हैं इसी एपी का। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, तो हो गया आपका एस 15 इक्वल 15/2। फर्स्ट टर्म 8 है, लास्ट टर्म 120 है, 15/2 है, 128 हो गया। 2 से डिवाइड करिए, 64 हो गया। 15 माइनस 64 मल्टीप्लाई करिए, 15 4 जा 60 0 6 कैरी 15 6 जा 90 90 और 6 96 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया 960। ठीक है, 960 कितने हुए, 960। सम कितना हुआ, 960, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए जो है 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मुझे क्या करना है, सम निकालना है। क्या करना है, सम निकालना है 0 और 50 के बीच। किनका सम निकालना है, ऑड नंबर्स के, जो भी 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। लेट
135 डॉट 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 50 से पहले एक 49 होगा, तो 49 ऑड नंबर्स होता है लास्ट में। बी अ प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन ठीक है, प्रोग्रेशन ये आपका हो गया एक प्रोग्रेशन हो गया ठीक। अच्छा अब इसके बाद देखिए ये प्रोग्रेशन क्या एपी है, तो आइए देखते हैं। थ्री में से वन माइनस करेंगे टू आएगा, फाइव में से थ्री माइनस करेंगे टू आएगा, इसका मतलब जाहिर है कि डिफरेंस सेम है, टू टू है, तो ये एपी है। तो यहां मैं लिख देता हूं क्लियरली, दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी, ये प्रोग्रेशन आपका एपी है ठीक है, ये प्रोग्रेशन क्या है आपका एपी है ना। अच्छा तो आइए सम निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें पता है, ए आपका वन है, डी आपका टू होगा, और एन, एन की वैल्यू कितनी है, सम हमको निकालना है, फाइंड द सम। तो अभी हमको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसमें ए कितना है, ए इक्वल वन, डी इक्वल थ्री माइनस वन माने टू, एन नहीं पता है, लास्ट टर्म आपको पता है एन इक्वल 40, एन एन कही है एल कही है स्मॉल एल। तो आइए शुरू करते हैं, 49 लास्ट टर्म होता है, 49 का वैल्यू मतलब एन इक्वल 49 फर्स्ट टर्म, फिर एन माइनस वन, डी का वैल्यू टू, सॉल्व करिए 49 इधर आएगा तो 48 हो जाएगा, 49 माइनस वन इक्वल टू एन माइनस वन, टू से कैंसिल 24 ठीक है, तो n माइनस वन इक्वल हो जाएगा 24 और माइनस वन हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो ये आ गया 25 ठीक है, ये आपका इतना हो गया, n की वैल्यू 25 आ गया। तो मुझे पता चला यहाँ पे कितने टर्म्स हैं 25, तो s 25 निकाल लीजिए, s 25 कितना होगा 25 अपॉन टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपका है 1, लास्ट टर्म है 49 ठीक है, 25 अपॉन 2 इंटू 50, 2 से डिवाइड कर देंगे 25 आ जाएगा, 25 का 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, ये आपका आंसर हो गया क्लियर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा होगा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए जो है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एक कंस्ट्रक्शन जॉब पर ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन जॉब पर कोई ठेका है ठीक है, उस ठेका वो ठेका लिया गया है मतलब, तो अब उस ठेके पर पेनाल्टी लगता है अगर एक सर्टेन डेट पर जो है कि वर्क जो कंस्ट्रक्शन जॉब है मतलब जो वर्क किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन का वो अगर पूरा नहीं होता है तो पेनाल्टी लगता है, पेनाल्टी मतलब फाइन भरना होता है, हरजाना भरना होता है एक तरह से कह सकते हैं, वो हरजाना इस तरह है कि 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे, अगर एक दिन का लेट होता है तो 200 देना होगा, दो दिन मतलब लेट होता है तो 250, तीन दिन लेट होता है तो 300 रुपये एट्सेट्रा, इसी तरह चलता रहता है। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बींग 50 रुपीज़ मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, जो पेनाल्टी है वो 50 रुपये बढ़ता जा रहा है ना, हर एक आने वाले दिन में 50 रुपये बढ़ता है, जैसे आज 50 रुपया लगा तो फिर कल फिर लगेगा, परसों फिर लगेगा, लेकिन पहले दिन आपका पेनाल्टी चार्ज कितना लग रहा है 200 रुपये, फिर अगले दिन 50, फिर तीसरे दिन 300, 50 50, लेकिन पहले दिन 200, उसके बाद 50 50 रुपये बढ़ता जा रहा है,
फिर कह रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रेक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी। अब कह रहा है कि कोई कॉन्ट्रेक्टर ठेकेदार है, उसको पेनाल्टी के रूप में कितना पैसा चुकता करना होगा, देना होगा इफ ही हैज, ठीक है, देना होता इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। यदि वह 30 दिन वर्क लेट से करता, जो उसका कंस्ट्रक्शन का काम उसको 30 दिन तक लेट में करता है, तो 1 महीने, लगभग 1 महीने मान लीजिए, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं इरेज कर देता हूँ, जगह नहीं है, क्योंकि फिर सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए मैं पहले क्या लिखता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं लिखता हूं पेनाल्टी, पेनाल्टी फॉर फर्स्ट डे। फर्स्ट डे की पेनाल्टी कितनी है, तो उसको मैं A1 कर देता हूं, इट इज फर्स्ट टर्म, 200 रुपये। कितना? 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये का कर देता हूं। फिर पेनाल्टी फॉर सेकेंड सेकेंड डे माने A2 इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 50 रुपये बढ़ गया, 250 रुपये हो गया। फिर पेनाल्टी फॉर थर्ड डे A3 कितना, A3 कितना हो जाएगा, 300 रुपये। इसी तरह करते करते चलेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या हो गया, हियर मैं कह सकता हूँ ए इक्वल आपका, मैं रुपीज जो यूनिट उसको हटा देता हूँ, 200 रुपीज, मैंने फर्स्ट टर्म एक तरह से कह सकते हैं, लास्ट में आंसर में रुपीज का यूज कर दूंगा, ए इक्वल 200, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व करने में आसानी रही, इसलिए मैं रुपीज का सिंबल हटा दे रहा हूँ। ए इक्वल टू 200, ठीक। डी इक्वल कितना होगा, सेकेंड में से या पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक, नाउ वी गेट 200, 250, 300 डॉट 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 आ प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन अप टू 30 टर्म्स, ठीक है। एक प्रोग्रेशन हमने पा गया, लेकिन 30th टर्म कितना है वो हमें पता नहीं है, तो वो मैं कैसे पता करूंगा, ठीक है। 30th टर्म मैं कैसे पता करूंगा, 30th टर्म कितना है उसको मुझे पता करना है। तो आइए देखते हैं, तो यहां तक तो ये हो गया मेरा, 30 टर्म्स तक ये है। तो आइए अब यहां से मैं देख लेता हूं, लिख देता हूं कि क्लियरली, या ऐसे करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट और थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस कर देते हैं, 250 माइनस 200 कितना आ जाएगा, 50, या पहले से ये दिया है यहां पर, देखिए क्योंकि यहां पर दिया 200 250 50 रुपीज बढ़ता जा रहा है, तो यहां मैं लिखूंगा क्लियरली दिस दिस प्रोग्रेशन एच एन एपी। ये जो प्रोग्रेशन है आपका क्या है, एपी है ना, ये प्रोग्रेशन आपका एपी है। तो अब मैं यहां से जो है 30th टर्म निकालूंगा, लास्ट टर्म कितना निकालूंगा, लास्ट टर्म मैं निकालूंगा 30 टर्म्स कितना होगा। तो A30 इक्वल कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितना है 200,
एन की वैल्यू 30 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 50। सॉल्व करिए, 200 प्लस 29 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर 29 फाइव जा कितना हो जाएगा आपका 29 फाइव जा तो 59 जा कितना होगा 45, 52 जा 10, 10 और 4 14 हो गया, जीरो लगा दिया, ऐड कर लीजिए 1650 आ गया। कितना आ गया 1650 आ गया। सो एस 30 कितना हो जाएगा 30/2 फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना आ गया 15, उसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1850। मल्टीप्लाई करिए 15, जीरो पहले से लग गया ना, जीरो लास्ट में, तो 15 फाइव जा 75, सेवन कैरी 15 एट जा 120, 120 और 7 127, 12 कैरी 15 हो जाएगा 15 और 12 आपका हो जाएगा 27 ना, तो 27,750 आ गया। तो मैं लिखूंगा सो अ कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे कितना, कॉन्ट्रैक्टर पे करता है 27,750 रुपीज। ठीक है, इस तरह से लास्ट क्वेश्चन जो 15 था बड़ा था लेकिन सॉल्व हो गया, सिंपल था। ठीक है, नोट कर लीजिए। So thank you for watching my video. We will meet in the next video with new topic. ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, गुड बाय। आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं।